यह पाया गया है कि कई बार विंडोज 10 अपडेट करने के पश्चात कंप्यूटर स्टार्ट करने के कुछ देर बाद अचानक बंद हो जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नंबर 1, आपका विंडोज 10 पायरेटेड हो सकता है। नंबर 2, आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर विंडोज 10 के फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता है। तो इनमें से कोई भी एक कारण या दोनों ही कारण हो सकते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या है। तो इस समस्या से निपटने के लिए स्टेप 1, आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। स्टेप 2, सेटिंग पर क्लिक करना है। स्टेप 3, अपडेट एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करें। स्टेप 4, व्यू अपडेट हिस्ट्री पर क्लिक करें। स्टेप 5, अनइंस्टॉल अपडेट पर क्लिक करें। स्टेप 6, लेटेस्ट अपडेट पर राइट क्लिक करें। एंड स्टेप 7, अनइंस्टॉल पर क्लिक करें। अनइंस्टॉल की प्रक्रिया में 1 घंटे तक का समय लग सकता है। कृपया धीरज के साथ काम करें। यह जानकारी बहुत उपयोगी है, जो आपके हजारों रुपए और समय बचा सकती है। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्र बंधुओं के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। अब मैं आपको प्रैक्टिकली शो करता हूँ कि कैसे आप ये विंडोज 10 के अपडेट्स को अनइंस्टॉल कर पाएंगे। चलिए प्रैक्टिकली हम इस लैपटॉप पर देखते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करते ही आपको व्यू अपडेट हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, इस पर भी आप क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अनइंस्टॉल अपडेट्स पर क्लिक करना है। इससे हाल ही में किए गए अपडेट्स की हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। तो आपने लेटेस्ट आज के दिन कौन सी अपडेट की है वो आपको इधर पर डेट दिख जाएगी। उस अपडेट पर आप राइट क्लिक करके उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। ये देखिए, लेकिन कुछ अपडेट्स को आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। उस पर राइट क्लिक करने पर अपडेट या अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आएगा। देखिए, इस पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आता है, इस पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आता है, तो आप इनको अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। इन पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आता है। जो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं उस पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। इस पर अनइंस्टॉल करते ही आपकी अपडेट्स अनइंस्टॉल हो जाएंगी और आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस प्रकार के टेक्निकल चीज़ों का ज्ञान नहीं होने पर आप अपने कंप्यूटर को कंप्यूटर शॉप में दे देते हैं, दुकान में दे देते हैं, जिससे आपके हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपना समय बचाने के लिए और अपने हजारों रुपए बचाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इस प्रकार की टेक्निकल जानकारी कंप्यूटर से और मोबाइल से संबंधित आप घर बैठे सीख पाएंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने मित्रों के साथ शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।